हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम करने वाले हैं केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस क्लास 10 सीबीएसई का आपका जो फर्स्ट चैप्टर है इसका कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स ऑफ रिएक्शंस। ठीक है, मैं यहां पे कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं कराने वाला, जिसमें जो बहुत और भी जरूरी चीजें हैं और भी जरूरी रिएक्शंस हैं जो आपको जानने जरूरी है। इसमें है रेडॉक्स रिएक्शन, और कौन सा आता है, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, इसके अंदर थर्मोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, ये सारी चीजें करेंगे। सो देखते रहिए, स्टार्टिंग विद रेडॉक्स रिएक्शन। तो सबसे पहले हम यहां कर लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। जब हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, जहां भी रेडॉक्स रिएक्शन होता है उस रिएक्शन में असल में दो रिएक्शन इन्वॉल्व होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ टू वर्ड्स। आप देख सकते हो इसमें जो ऑक्स है ये आया ऑक्सीडेशन से, और ये रेड आया कौन से टर्म से भाई, यस रिडक्शन से। तो अगर हम बात करें ऑक्सीडेशन की, तो ऑक्सीडेशन यानी क्या, वैसे ये डेफिनेशन का बहुत गहरा मतलब है जो आप 11 12th में सीखोगे, पर 10th के हिसाब से मैं फिलहाल बात करूंगा और थोड़ा आइडिया दे दूंगा कि हायर लेवल में एग्जैक्टली इसमें क्या होता है। ओके, सो स्टार्टिंग विद ऑक्सीडेशन, देखो वर्ड से ही समझ लो, ऑक्सीडेशन यानी कि एडिंग ऑक्सीजन। बहुत सिंपल, पहले ऑक्सीजन के हिसाब से याद रखो, एडिंग ऑफ ऑक्सीजन के प्रोसीजर को हम ऑक्सीडेशन कहते हैं। ओके, तो ऑक्सीडेशन का मतलब है द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। किसी भी केमिकल में ऑक्सीजन ऐड कर दिया यानी ऑक्सीडेशन हो गया। ठीक है, अब इसी का बिल्कुल अपोजिट है रिडक्शन। देखो रिडक्शन यानी रिड्यूस किया जा रहा है, यानी क्या, वही ऑक्सीजन जो किसी केमिकल में हो अगर निकाल दिया जाए तो दैट इज कॉल्ड रिडक्शन। यानी व्हाट इज रिडक्शन, इसका बिल्कुल अपोजिट, रिमूवल, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिडक्शन का मतलब है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। ओके, अब हाइड्रोजन के हिसाब से भी ये सेम चीज डिफाइन किया जा सकता है, पर हाइड्रोजन के लिए उल्टा होता है, जैसा ऑक्सीजन है उसका एकदम अपोजिट। यानी अगर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को अगर आपने ऑक्सीडेशन कहा तो हाइड्रोजन के हिसाब से क्या होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड ऑक्सीडेशन। तो आइदर द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, किसी केमिकल में से ऑक्सीजन उसमें ऐड कर देना या तो किसी केमिकल में से हाइड्रोजन निकाल लेना, दोनों में से किसी को आप ऑक्सीडेशन कह सकते हो। ऐसे ही द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन विल बी कॉल्ड व्हाट, विल बी कॉल्ड रिडक्शन। एकदम अपोजिट चीजें हैं। ठीक है, केमिकल में ऑक्सीजन ऐड कर देना ऑक्सीडेशन, हाइड्रोजन रिमूव कर लेना भी ऑक्सीडेशन। ठीक है, एंड व्हाट इज रिडक्शन, केमिकल में से ऑक्सीजन निकाल लेना या तो किसी केमिकल में हाइड्रोजन ऐड कर देना इज कॉल्ड रिडक्शन। बहुत सिंपल है। अब यहां पे ये बात इंपॉर्टेंट हो जाती है कि ये दोनों वर्ड्स एक साथ क्यों कंबाइन किए गए हैं। तो बहुत सिंपल सी ट्रिक है, सिंपल सी लॉजिक है कि अगर आप किसी केमिकल में से, मान लो दो केमिकल्स है, अगर कहीं से ऑक्सीजन निकला है तो वो ऑक्सीजन कहीं तो जाएगा, यानी क्या, यानी ये दोनों प्रोसेस साइमल्टेनियसली एक ही रिएक्शन में होते हैं, है ना। एक जगह पे अगर ऑक्सीडेशन हुआ दूसरी जगह पे रिडक्शन हो जाएगा। ओके, एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल से बेटर समझ में आएगा, और हमको एग्जाम में एग्जाम्पल्स ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें से हमको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन कहां हुआ ये सारी चीजें बतानी होंगी। सो आई स्टार्ट विथ, आई गिव वन एग्जाम्पल जो आपके टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल है, PbO लीड ऑक्साइड प्लस कार्बन विल गिव पीबी प्लस CO2। भैया बैलेंस कर दो यार, बैलेंस बिना अच्छा नहीं लगता रिएक्शन। दो ऑक्सीजन इधर कर दिया टू ऑक्सीजन, लीड भी हो गया टू, इधर पे भी कर दो भैया टू, हो गया कार्बन वन वन, बैलेंस हो गया। फिलहाल हमको हमारा एम क्या है, हमको यहां पता करना है कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ और रिडक्शन कहां हुआ। ठीक है, वो बता देता हूं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इस केमिकल में से, फाइनली आप देखो इस चीज को देखो, यहां देखो समझ में आ जाएगा कि यहां हुआ क्या है। बेसिकली इस केमिकल में से ऑक्सीजन निकल के और कहां ऐड हुआ,
इस केमिकल में ऐड हुआ, तभी तो यहां CO2 बना और ये PB अकेला हो गया बेचारा, राइट। तो अब यहां पे अगर आपसे पूछा जाए, आप देख सकते हो, और अब यहां पे आपसे अगर पूछा जाए कि ऑक्सीडेशन कहां हुआ और रिडक्शन कहां हुआ, बता सकते हो कि इधर से इस केमिकल में से बेसिकली ऑक्सीजन निकला है, यानी रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड व्हाट, इट इज कॉल्ड रिडक्शन, यानी कि यहां पे रिडक्शन हुआ। कहां पे रिडक्शन हुआ, सिर्फ पीबी नहीं लिखोगे, गलत हो जाएगा, इस पूरे केमिकल में से रिडक्शन हुआ, तो यानी पीबीओ में से रिडक्शन, जो केमिकल दिख रहा है वो पूरा नाम लिखना है, ओके। और वो ऑक्सीजन ऐड कहां पे हुआ, कार्बन में ऐड हुआ। एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, यानी इस केमिकल में क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, यानी ऑक्सीडेशन हुआ कार्बन में, ओके। तो यहां पे आप बहुत सिंपल तरीके से देख सकते हो कि इधर पे हुआ रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन यानी रिडक्शन, इधर पे हुआ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन दैट इज ऑक्सीडेशन, ओके। अब यहां पे अगर आपसे ये पूछा जाए कि भैया रिड्यूसिंग एजेंट कौन है यहां पे और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है, तो कैसे बताया जाएगा वो भी देख लेते हैं। इफ यू आर आस्क्ड अबाउट रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, पहले तो इनका मतलब बता दूं, आपने अगर सुना हो एलआईसी एजेंट, एलआईसी एजेंट क्या करता है, लोगों की एलआईसी पॉलिसीज निकालता है ना भैया, कैसे भी करके भाई हमारी एलआईसी निकाल लो, एलआईसी कर लो, हमसे एलआईसी कर लो, यही सब करते हैं, ओके, पॉलिसीज बनवाते हैं, उनको उसमें कमीशन मिलता है। तो अगर एलआईसी एजेंट सामने वाले की पॉलिसीज, एलआईसी पॉलिसी निकालता है, सामने वाले की निकालता है, इस बात पे ध्यान रहे, तो वैसे ही रिड्यूसिंग एजेंट क्या करता होगा, सामने वाले केमिकल में रिडक्शन करता होगा, सही है। यानी जो केमिकल सामने वाली केमिकल में रिडक्शन कर दे वो क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, ओके। और जो केमिकल सामने वाले केमिकल में ऑक्सीडेशन कर दे वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। आप देखो यहां डेफिनेशन कैसे हो सकता है, मैं यहां बताऊंगा, आप नोट कर सकते हो, ठीक है। दोस केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल एंड इटसेल्फ गेट ऑक्सीडाइज, जो दूसरों को रिड्यूस करेगा, ऑब्वियसली वो वहां से ऑक्सीजन निकालता है अगर, तो अपने में ऐड करेगा, सही है ना। तो यानी दोस केमिकल विच रिड्यूसेस अदर केमिकल एंड इटसेल्फ गेट्स ऑक्सीडाइज आर कॉल्ड रिड्यूसिंग एजेंट, सही है। और जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करता है और खुद में रिड्यूस हो जाता है वो क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग। सामने वाले पे क्या कर रहा है, वो सामने वाले पे अगर रिडक्शन कर रहा है तो रिड्यूसिंग एजेंट, सामने वाले पे अगर वो ऑक्सीडेशन कर रहा है तो खुद क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हुआ। तो उस हिसाब से आप यहां देख सकते हो, बहुत सिंपल है, देखो ध्यान से देखना, आप यहां पे क्लियर हो जाएगा आपका जो भी आंसर्स है, जो भी केमिकल्स के बारे में बताना है, वो सब यहीं से निकलेगा, इधर से कुछ भी नहीं आएगा, ये कभी भी नहीं आएगा, ओके, यहीं से। अब जैसे मतलब मैं बता रहा हूं कि इसमें रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ये भी हमको इधर से मिल जाएगा, ओके, कभी प्रोडक्ट साइड में आपको देखना भी नहीं है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि इधर पे रिडक्शन हुआ, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यानी यहां पे रिडक्शन हुआ। अब ये ऑक्सीजन निकला, पर क्या कार्बन नहीं होता तो यहां से ऑक्सीजन अपने आप निकलता क्या, बिना किसी के प्रेजेंस में, नहीं निकलता। यानी कि यहां पे जरूर रिडक्शन हुआ है, पर ये रिडक्शन किसकी वजह से हुआ, कार्बन की वजह से। तो ये यहां रिडक्शन किसने कराया, कार्बन ने, तो कार्बन क्या हुआ, रिड्यूसिंग एजेंट। कभी भी याद रखो, जहां रिडक्शन हुआ उसके सामने वाला हुआ रिड्यूसिंग एजेंट। और देखो इधर पे ऑक्सीजन ऐड हुआ, नो डाउट इधर ऑक्सीडेशन हुआ, पर ये ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीजन अगर यहां से आता ही नहीं तो ऐड कैसे होता, यानी कि बिना पीबीओ के ये ऑक्सीजन का एडिशन यहां पॉसिबल नहीं था, राइट। तो यानी इधर जरूर ऑक्सीडेशन हुआ, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, पर किसकी वजह से हुआ, पीबीओ की वजह से। तो ये पीबीओ, ये पूरा केमिकल क्या हुआ, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिसने इधर पे ऑक्सीडेशन किया। बहुत सिंपल है पहचाना, जहां हुआ रिडक्शन उसके सामने वाला रिड्यूसिंग एजेंट, जहां हुआ ऑक्सीडेशन उसके सामने वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ठीक है। तो यानी कि यहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इज वंस अगेन पीबीओ, और रिड्यूसिंग एजेंट कौन हुआ, तुम्हारा कार्बन। जो केमिकल दिख रहा है वो लिखते जाओ, देखो मैंने यहां से कोई भी चीज नहीं उठाई, जो भी हमारा रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, वो सब यहीं से मिला हमको, ठीक है। ये एक चीज क्लियर हो गई। इसके बाद
तो यहां पे हमने रिडक्शन और ऑक्सीडेशन बेसिकली क्या होता है, आप देख सकते हो कि एक साथ हुआ ये दोनों, है ना, एक जगह पे रिडक्शन हुआ एक जगह पे ऑक्सीडेशन, क्योंकि ये एक साथ होता है इसलिए इसको रेडॉक्स रिएक्शन कहा जाता है, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द रिएक्शंस, समझो आप 99% ऑफ द रिएक्शंस आर कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शंस, क्योंकि यहां पे देखो हमने डिफाइन कैसे करा हुआ है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन की टर्म्स में, पर असल में अगर हायर लेवल में आप जाओगे तो वहां पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का डेफिनेशन असल में थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ ऑक्सीजन रिमूव ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है, पर यहां पे असल में जो आप पढ़ोगे आगे जाके द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन, किसी केमिकल में से इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल देना इज कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। असल में ये दोनों में भी यही होता है, जहां ऑक्सीजन हाइड्रोजन हम बता रहे हैं उसमें भी बेसिकली रूट लेवल पे यही होता है, पर हमको टेंथ में ये चीज नहीं पढ़नी, ठीक है। तो फिर भी देख लो, ऑक्सीडेशन का मतलब क्या हुआ, द प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन का मतलब क्या हुआ, अपोजिट, यानी द प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एड कर देना इज रिडक्शन, इलेक्ट्रॉन निकाल लेना इज ऑक्सीडेशन, ठीक है, ये चीज समझ लो पहले। अब यहां पे आगे बढ़ते हैं, अब जो हमने ऑक्सीजन के हिसाब से समझा, जो मैंने एग्जाम्पल दिया आपको, अगर मान लो कि यही हाइड्रोजन का एक्सचेंज होता तो आप क्या लिखते उसमें, आप उल्टा समझते, क्योंकि अब हमने हाइड्रोजन के टर्म्स में एकदम अपोजिट पढ़ा है कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन कहते हैं, और हाइड्रोजन में क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन कहते हैं। तो ये बात ध्यान रहे कि हाइड्रोजन वाले में सब चीजें उल्टी रहेंगी, ठीक है। ऑब्वियसली आप एग्जाम्पल्स एक टेक्स्ट बुक में का आप कर सकते हो, देख सकते हो, ठीक है। अभी मैं यहां फिलहाल दूसरा एक सेकेंड जो एग्जाम्पल या सेकेंड इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शन है वो मैं बताने वाला हूं, एंड येस दैट इज प्रेसिपिटेशन, रिएक्शन। भैया क्या होता है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, सिंपल है यार, कोई टेंशन की बात नहीं है। प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेट को कैसे रिप्रेजेंट किया था पहले वो देख लो, फिर आपको एग्जैक्टली इसका मतलब बताता हूं, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूं, सी ए ओ एच ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, लाइम वाटर में हम कार्बन डाइऑक्साइड पास कर रहे हैं, ऑब्वियसली टर्न्स मिल्की आपको पता होगा, तो इसमें सी ए सी ओ थ्री प्लस एच टू ओ फॉर्म होता है, और ये सी ए सी ओ थ्री में ना हम एक डाउनहेड एरो ऐसे दिखाते हैं, या फिर आप ऐसे पीपीटी लिख सकते हो उसके आगे, या तो ऐसे दिखा दो या तो ये दिखा दो, मतलब यही है कि ये चीज क्या है, दिस इज प्रेसिपिटेट। प्रेसिपिटेट क्या होता है वो देख लो, प्रेसिपिटेट यानी इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल, अगर किसी रिएक्शन में इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएं तो ऑब्वियसली क्या होगा, अभी ये जैसे ये सपोज यहां रिएक्शन हो रहा था, तो ये सॉलिड पार्टिकल अगर इनसोल्यूबल फॉर्म होंगे तो मतलब क्या वो मिक्स तो होंगे नहीं, इनसोल्यूबल है, तो क्या होगा कि वो यहां से नीचे धीरे धीरे सेटल होते जाएंगे, ठीक है। मतलब मैं बता रहा हूं कि डाउन हेड एरो क्यों यूज किया था, फिलहाल इसके हिसाब से ऐसे याद रख सकते हो आप कि ये सॉलिड पार्टिकल है ये नीचे जमा हो जाएंगे, तो इसलिए हम ऐसे एरो दिखा रहे हैं, ओके। तो यानी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी आपको सिंपल समझ में आ जाएगा, ऐसे रिएक्शन को प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। एक मार्क के लिए क्वेश्चन आ सकता है, भाई डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, भाई डिफाइन प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कैसे डिफाइन करोगे, द टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन इन विच इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स, ऐसे इनसोल्यूबल सॉलिड पार्टिकल्स फॉर्म हो जाएं उनको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। तो यानी कि हमको कैसे पता चलेगा भैया कि कौन सा रिएक्शन प्रेसिपिटेशन है, अभी फिलहाल टेंथ के हिसाब से हमको ये पता नहीं करना कि कौन सा वाला रिएक्शन या कौन प्रेसिपिटेट यहाँ फॉर्म हो रहा है, हमको बस कुछ रिएक्शन से याद रखने हैं एग्जाम्पल के तौर पे, ठीक है। बिकॉज टेंथ में हमको ऐसे केमिकल को देख के या इस रिएक्शन को देख के इसको देख के पता नहीं चलेगा कि हाँ भाई ये प्रेसिपिटेट है या सोल्यूबल है या इनसोल्यूबल है, ये चीज हम नहीं बता सकते, फिलहाल आप कुछ एग्जाम्पल्स ही याद रख सकते हो, ठीक है। अभी हमने ये कर लिया, इसके बाद बचा है बहुत इंपॉर्टेंट जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है उसके मैं कुछ स्पेशल टाइप्स बताने वाला हूं जो आपको आने जरूरी है, ठीक है, और उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं, देख सकते हैं। थर्ड वाला, इट इज टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन,
डिकम्पोजिशन रिएक्शन अगर पता हो आपको, तो आपने जो चार टाइप के रिएक्शन पढ़े होंगे, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, इसमें डिकम्पोजिशन वो रिएक्शन होता है जिसमें एक सिंगल रिएक्टेंट होता है, कभी भी एक सिंगल रिएक्टेंट होगा, एक से ज्यादा नहीं होंगे, सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स, दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट्स में ब्रेक हो जाएगा, ऐसे रिएक्शन को हम डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। और याद रहे इसमें सिंगल रिएक्टेंट होता है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट्स होंगे और सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, इसमें उल्टा है, एक सिंगल रिएक्टेंट विल ब्रेक इंटू टू और मोर प्रोडक्ट्स। और ऑब्वियसली ऑल द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, देखो ये ब्रेक होने के लिए ऐसा अपने आप तो होगा नहीं, आपको यहां पे एनर्जी सप्लाई करनी होगी, यानी जनरली डिकम्पोजिशन रिएक्शंस आर एनर्जी सप्लाई करना पड़ रहा है, क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं भाई, यस इट इज कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक क्यों, क्योंकि एनर्जी सप्लाई करना पड़ता है तभी ब्रेक होंगे, ठीक है। अब ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ टाइप्स बता देता हूं आपको, एक है थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है, दूसरा बताऊंगा फोटोलाइसिस यानी या फिर फोटोलाइटिक रिएक्शन, और तीसरा होगा इलेक्ट्रोलाइसिस यानी इलेक्ट्रोलाइटिक रिएक्शंस, ठीक है। अब यहां पे एक चीज याद रखो, लाइसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन, यानी केमिकल्स का ब्रेक होना इज लाइसिस, ठीक है, और थर्मो का मतलब है हीट, फोटो का मतलब है लाइट, और इलेक्ट्रो का मतलब इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल हो गया। यानी अगर हम केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए यानी डिकम्पोज करने के लिए हीट का सहारा ले रहे हैं या हीट सप्लाई कर रहे हैं वो एंडोथर्मिक के फॉर्म में, तो दैट विल बी कॉल्ड थर्मोलाइसिस या थर्मोलाइटिक रिएक्शन, ठीक है। अगर आप लाइट सप्लाई कर रहे हो, ठीक है, तो उसको ऐसे रिएक्शंस को मतलब केमिकल्स को ब्रेक करने के लिए लाइट का यूज किया जा रहा है तो दैट इज फोटोलाइसिस, और अगर केमिकल्स को ब्रेक किया जा रहा है यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी दैट इज इलेक्ट्रोलाइसिस। भैया फटाफट एग्जाम्पल देख लो थर्मोलाइसिस का, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, 1000 डिग्री को पे हीट करना पड़ता है, फॉर्म्स कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, है कि नहीं है, सही है भैया, ये गैस है, इवॉल्व हो गया। अच्छा ये तो पता होगा कि ये वाला एरो हम गैस के लिए यूज करते हैं, गैस लिबरेशन के लिए, पर रिएक्टेंट साइड में नहीं, प्रोडक्ट साइड में जब जो भी गैस रहेंगे उसके लिए यूज किया जाएगा, ओके। इसके बाद में ये हो गया थर्मोलाइसिस, हीट सप्लाई करके हमने केमिकल को ब्रेक कर दिया, आराम से बन गया भाई ये सब, ओके। एंड फोटोलाइसिस का भी देख लेते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड AgBr विल फॉर्म Ag+Br2, पर ऐसे ही होगा क्या, नहीं, सनलाइट की प्रेजेंस में होता है, सो दिस इज फोटोलाइसिस, लाइट को यूज करके ब्रेक डाउन कर दिया, दिस फोटोलाइसिस। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस भी देख लो यार, सिंपल है, हम लोग ये बचपन में देखे होंगे या एग्जाम्पल सुना होगा कि H2O को अगर इलेक्ट्रिसिटी पास किया जाए तो इसको ब्रेक किया जा सकता है इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, यानी ब्रेकिंग डाउन ऑफ केमिकल यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज कॉल्ड व्हाट, इलेक्ट्रोलाइसिस, सुना होगा आपने, ठीक है। अगर आपको ये पूछा जाए गिव वन एग्जांपल ऑफ या गिवन रिएक्शन विच इज इन्वॉल्व्ड इन ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी, तो ये रिएक्शन याद रखना है, फोटोग्राफी में, आज की फोटोग्राफी में नहीं, आज तो भाई सेलफोन से हो जाता है, लेकिन जो वो पुराने जमाने का जो कोडैक का वो जो रील वाला जो सिस्टम था उसमें उसके नेगेटिव की जो एक्सपोजर में जो सिस्टम था, ठीक है, ये रिएक्शन होता था उसके अंदर बेसिकली, ठीक है। सिल्वर ब्रोमाइड इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट इट गेट्स डिकम्पोज्ड इनटू सिल्वर प्लस ब्रोमीन, ठीक है, ये वो रिएक्शन है जो ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में इन्वॉल्व था, याद रखना है।